चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। जहां जहां तक प्रशासन व्यवस्था रही वहां हम लोगों के साथ बदसलूकी की गई, गाली गलौज, यहां तक कि जेल में बाबा साहब को भी अपमानित करते समय इन लोगों ने कहा कि आप तुम्हारे भीम बचाने नहीं आएंगे, तुम्हारे अम्बेडकर कहाँ गए, बताओ आओ बचाएं। भाजपा सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, मनुवादी व्यवस्था लाया जाए, इन लोगों को जैसे पीछे थे उसी तरह कर दिया जाए। भाजपा सरकार हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के भदांव गांव में, जहां पर भारत बंद 2 अप्रैल 2018 को सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। यहां पर सबसे अधिक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें कुछ नाबालिग लोग थे, इसमें बुजुर्ग लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। क्या है मामला, आइए जानते हैं इस ग्राम के लोगों से। सर, भारत बंद का जो है मूल फंडा क्या था, क्यों भारत बंद किया गया था? सरकार जो मौजूदा सरकार है वह SC ST एक्ट को समाप्त करना चाह रही थी, ऐसा चर्चा मिला और अखबारों से भी पता लगा। तो उसके विरोध में कि वो उस एक्ट को सरकार ख़त्म न करे, उस विरोध में ये धरना प्रदर्शन था। इस 2 अप्रैल के जो भारत बंद था इसमें हम लोग शामिल थे। हमारे यहाँ कार्यक्रम तकरीबन 9 बजे से चालू हुआ, जो कि निरंतर शांतिपूर्वक एकदम 1 बजे 2 बजे तक चलता रहा। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम समापन की ओर चल रहे थे और लगभग लगभग हम लोग समाप्त करके अपने अपने घर की ओर निकल ही रहे थे। तब तक अचानक अब इन्फॉर्मेशन हुई पुलिस वालों को, जो कि यहाँ के SP सहित DM सहित पूरी जो है तकरीबन 20-25 गाड़ियाँ PSC सहित आया पूरा, और मतलब जिसको पाया उसको पकड़ता गया। पकड़ने के बाद तुरंत पूछने लगे सब कास्ट, अगर आप SC कास्ट के हो तो तुरंत गिरफ्तारी हुई और फिर पहले वहाँ पे मारने का काम चालू हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद अलग अलग गाँव में जितने मतलब हरजा मतलब चमरौटी थी जितने भी प्रताड़ित करते थे और उनके घर से टांग कर उनको लेके आते थे। अगर कोई नौजवान बच्चा या नाबालिग भी है तो उसको टांग कर लेके आते थे। मुझको शाम को किसी ने पकड़वाया मुझको और मुझको उठाए, सब कम से कम 200 लाठी मारे होंगे। पुलिस की 2 लाठियां भी टूट गई, मेरी अंगुली आज तक टूटी हुई है। और जेल में ले गए, बेल्ट वगैरह सब छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, और गालियां तो पूछिए मत, इतना खराब खराब गालियां देते थे कि बताने लायक नहीं है। जेल में जब हम लोगों को लेकर जाने लगे कारागाह की तरफ, मतलब जैसे जेल की तरफ, तो यहाँ से लॉकअप से निकालने के बाद भी पिटाई शुरू कर दिए। मतलब जिसको जितना समझते थे उसको उतना मारते थे। मारने के बाद फिर गाड़ी में बैठाए हम लोगों को, लेकर गए फिर पुरानी कोतवाली आजमगढ़ लेकर गए। रात में तकरीबन 12-1 बजे तक हम लोगों को रात में वहाँ पहुँचाए। उसके बाद 10 बजे के बाद हम लोगों को लेकर आया गया सदर में, और वहाँ पे फर्जी मेडिकल बनवाया गया। इस हिसाब से मेडिकल बनवाया गया कि हम लोगों को जो चोटें थीं उसको पूरा कहीं नहीं दर्शाया गया, बिल्कुल हल्की रिपोर्ट बनाई गई। कोर्ट में जाने के बाद हम लोगों को वहाँ पे अब इस तरह से मतलब पूरा जज के सामने खड़ा किया गया और चिन्हित किया गया कि ये लोग थे। और वहाँ भी इस हिसाब से मतलब जहाँ जहाँ तक प्रशासन व्यवस्था रही वहाँ हम लोगों के साथ बदसलूकी की गई, गाली गलौज, यहाँ तक कि जेल में बाबा साहब को भी अपमानित करते समय इन लोगों ने कहा कि आप तुम्हारे भीम बचाने नहीं आएंगे, तुम्हारे अम्बेडकर कहाँ गए, बताओ आओ बचाएं। यह वही क्षेत्र है जहाँ से बालिग के साथ साथ नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया था। आइए चलते हैं आपको ऐसे शख्स के पास लेकर चलते हैं जो नाबालिग होते हुए भी उसका जो है उस वक्त एग्जाम था और एग्जाम भी छूट गया उसी गिरफ्तारी के बाद। आगे का मामला क्या है, आइए सुनते हैं उनकी बिन से। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरा BSC पेपर था उस टाइम। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरा उस टाइम अभी 17 चल रहा था और मैं उस टाइम घर आ रहा था, और भीड़ जब सब लोग जब धरना खत्म मतलब वहाँ पर पुलिस वाले आए और फायरिंग कर दी। वहाँ पर आते ही फायरिंग करने के बाद सभी लोग वहाँ पर भगदड़ मच गया, सब लोग भागने लगे, मैं भी उसी में भागने लगा। घर आते आते मुझे पकड़ लिए, पकड़ने के बाद जब बीच जीप में रखे, जीप में भी पीटे पड़े, जितना मार सकते उतना मारे। फिर ले गए माल्टरी, वहाँ पे सिविल स्कूल है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज, वहाँ पे घेर गए पहले सब लोग, पीटे कई लट्ठे टूट गई भी थी तो वहाँ पीटे। उसके बाद फिर जब गाड़ी में रख लिए, फिर गाड़ी में जितने भी पुलिस वाले आते थे या जो भी आते थे उसी में मारते थे, गाड़ी में ही मारते थे। फिर वहाँ पर शाम तक ले, फिर जब कोतवाली ले गए GNP थाने में, फिर वहाँ पर पीटे हम लोगों को,
और गाली गलौज जितना हो सके उतना देते थे, पानी मांगते तो वो भी नहीं देते थे, फिर रात में भी पीटे भी जितना, मतलब कि जितना उनका गुस्सा था सब निकालना चाहते थे अपना, जब भी मौका मिलता था पीटते थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपका जो है उस समय परीक्षा भी, हाँ, मेरा बीएससी का पेपर था उस टाइम, मेरा छूट गया था। तो आपका बीएससी का परीक्षा था, हमने वहाँ पुलिस कहा था कि पेपर देने जाए पर नहीं जाने दिए लोग पेपर देने के लिए भी। भारत बंद में जैसे तमाम जो है आपके गांव से लोग जितने भी लोग थे वो गिरफ्तार हो गए, तो क्या गिरफ्तारी के बाद भी बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन जो है रात में भी आती थी और गांव से लड़कों को उठाने का काम करती थी? ऐसा है, उस दिन गिरफ्तारी में तो जो भी कुछ उत्पीड़न किए, मारे पीटे, टॉर्चर किए के अलावा शाम को, रात को, शाम सवेरे कई दिनों तक वह दबिश देती रही कुछ लोगों को और उठाने के लिए, इतना भय से लोग भयाक्रांत हो गए थे, इतना डर गए थे कि घर गांव और रात रात को छोड़ के लोग सिवान पकड़ लिया करते थे। तो स्थिति बहुत ख़राब कर दी, मतलब उन बच्चों को जितने लोग मार खा गए हैं वो सही नहीं अभी तक हैं, और हमारे गांव के एक हफ्ते कोई परिवार अन्न नहीं खा पाया, पुलिस घर में घुस जाती थी, सिवान में लाठी लेके दौड़ती थी और तबाह पूरे गाँव को, बच्चों को रवाए सब, बड़ी दशा ख़राब हमारे गाँव को गई है। आपको जो है रोजगार में क्या आपको दिक्कत आ रही है? रोजगार में जब से कि मैं इंटर कॉलेज में रहता था, पढ़ाता था, उसमें कलर का काम करता था, और जब से मैं जेल गया तब से बेकार हो गया मैं। फिर मैं जाके एटा जिला में मजदूरी करता हूँ, सुपरवाइजर काम, वहाँ भी पैसा मेरा फंस गया, वहाँ भी पैसा नहीं मिला, बेरोजगार समझिए हो गया, पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। तो आप बताइए कि जो भाजपा की सरकार है दलितों के लिए इसका क्या रवैया है? ये भाजपा सरकार वास्तव में कहिए दलितों के लिए ये क्या, पूरे देश के लिए ये महाझूठा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक तो कोई हुआ ही नहीं होगा जितना ये सफ़ेद झूठ बोलता है, और ये झूठ को सत्यापित करके उसी को सत्य कहना चाहता है। अब साफ है, हम एक ही वाक्य बोलना चाहते हैं, जिस तरह से ये धर्म झूठ पर आधारित धर्म को चला रहे हैं, हिंदू धर्म को, उसी तरह से ये झूठ बोल के शासन भी चला रहे हैं, बस यूँ ही। दलितों की रवैया भाजपा सरकार का ठीक नहीं है और न रहेगा। भाजपा सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, मनुवादी व्यवस्था लाया जाए, इन लोगों को जैसे पीछे थे उसी तरह कर दिया जाए। भाजपा सरकार हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ रोजगार करते थे, इस सरकार में पूरा बेरोजगार हो गए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो सत्ता में चल रही भाजपा सरकार है वो दलितों को एकदम, मतलब पहले जो मनवादी व्यवस्था से थी उस स्तर से आज देख रहे हैं लोग, पूरी इस स्थिति में आ गए हम लोग कि कितने भी ज्ञानवान, कितने भी शिक्षित अगर हम लोग हो जा रहे हैं तो हम लोगों को उसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि एक चमार जात का है। मैं आपसे उनसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने लोग चाहते हैं कि 2019 में फिर से मोदी की सरकार बने? कितने लोग चाहते हैं कि मोदी की सरकार दोबारा न बने, हाथ ऊपर करें? जैसा कि आपने तमाम लोगों की बातों को सुना, सब लोगों ने अपनी जो है नाराजगी भाजपा सरकार के प्रति दिखाया और मांग कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि 2019 में दोबारा 2019 में जो है दोबारा भाजपा की सरकार न आए। चलचित्र अभियान के साथ जुड़े रहें, चुनावी खबरें आपके पास आती रहें।